क्या बोलूं और क्या कहना चाहिए आप लोगों से। देखिए सबसे पहली बात मैं शुरू करूंगा, वो कहते हैं ना कि कमजोर होते हैं वो लोग जो सिकवा किया करते हैं, कमजोर होते हैं वो लोग जो सिकवा किया करते हैं, जो लोग ना शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं परिस्थितियों को, पेरेंट्स को, बैकग्राउंड को, बॉस को, परिवेश को, एनवायरमेंट को, जहां हम काम करते हैं उसको, कोई भी शिकायत करे, कहीं ना यार उनके अंदर कोई कमजोरी होती है। वो उस कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरी चीजों को दोष देना चाहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हम ये मानेंगे नहीं कि हम कमजोर, हम ये मानने नहीं चाहते कि वी आर एट मिस्टेक, हम नहीं मानेंगे, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो हमारा ईगो है ना, जो अहम, वो हमें स्वीकार नहीं करने देता। इसीलिए हम दूसरों को, एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल, एग्जाम में अगर उसके नंबर कम है ना टेस्ट में, तो वो आके बता अपने पिताजी को क्या बोलता है, पापा आपको पता है वो विजय था मेरे साथ, वो क्लास टॉप किया था, उसके ना 35 ही नंबर आए। वो बोले पापा बोले तू बता तेरा रिजल्ट क्या है, अरे वो अजय था ना वो भी जस्ट पास ही हुआ है, अरे तू बता हम भी बस पास ही हुए। मतलब वो दूसरों की गलतियों से अपनी गलती को क्या करना चाहता है, छिपाना चाहता है। और यही वो बच्चा हमारे अंदर बड़े तक रहता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम पर कोई उंगली ना उठाए। उन्हीं लोगों के लिए कमजोर होते हैं वो लोग जो सिकवा किया करते हैं, क्योंकि उगने वाले तो पत्थरों का सीना चीर के भी उगा करते हैं। जिनको उगना है पत्थर का सीना चीर देते हैं। पीपल का पेड़ देखिए आप, कोई नहीं लगाता उसे, कोई पानी नहीं देता, कोई खाद नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन छत पे उग जाएगा, पहाड़ पे उग जाएगा, आप निकाल दीजिए कल फिर उग जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायत छोड़नी। क्या हम अपने काम में, जो हमारा काम है, जो भी जहां भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, लीडर वो नहीं होता जिसके पास हर सवाल का जवाब, लीडर वो होता है जिसके पास सही सवाल हो। तो आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि क्या आपको अपने काम में मजा आ रहा है, क्या आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या जब आप अपनी डेस्क पर आकर बैठते हैं तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं, या फिर शाम का प्लान बना रहे होते हैं शाम को ये करना है, या फिर सब कुछ भूल जाते हैं। अब ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारा दिमाग हमेशा ऑक्यूपाई रहता है, डेस्क पे बैठे हैं तो उसके बाद क्या करना है वो सोच रहे होते हैं, बाहर निकले फिर आगे क्या करना है वो सोच रहे होते हैं, बाहर निकले तो घर पहुंच के क्या करना है वो सोच रहे होते हैं। मतलब हम फुल टाइम, हमारा फुल टाइम हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। और इसका कारण क्या है, हम क्यों सोचते रहते हैं, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ना उसकी कोई सॉलिड वजह नहीं है। एक बात याद रखिए, जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा ना तब तक हाउ भी नहीं होगा, तो हमारे पास वजह नहीं है। हर काम की एक वजह होती है, अगर हमारे पास वजह है तो समझ लीजिए कि उस काम में हमारा मन लगेगा और उसमें हम अपना बेस्ट देंगे। कैसे, चलो एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करो आप अपने घर पे सो रहे हो, एसी चला के, बढ़िया गर्मी का मौसम है, बाहर धूप है चिलचिलाती, लेकिन आप मजे से एसी चला के सो रहे हैं, तभी क्या होता है आपका सेल फोन रिंग करता है, आपने उठाया, उधर से आवाज आपके भाई की है, वो कहता है अरे भैया मैं यहाँ हूँ मार्केट में, लगता है मेरा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ गया। क्या होगा आपका रिएक्शन, एसी चला के डले रहोगे, नहीं ना बाहर निकलोगे ना तुरंत, आप जल्दी से बाहर गए, आपने देखा कार देखी, अगर कार है तो कार देखी, पंचर है, रुक जाओगे क्या कि नहीं भाई हम तो कार से जाएंगे, नहीं बाइक देखोगे ना, बाइक में रुकोगे क्या, नहीं साइकिल उठाई वो भी पंचर, वाहन निकले चलो भाई बगल वाले चाचा जी से बाइक मांग लेते, गए चाचा जी बाइक दे दीजिए भैया का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने कहा यार बाइक तो पिंटू ले गए, पिंटू ले, आप क्या करोगे, रुक जाओगे, नहीं बाहर निकलोगे ऑटो करने की सोचोगे, ऑटो की हड़ताल, टेम्पो के लिए गए टेम्पो की हड़ताल, बस के लिए गए बस की हड़ताल, रुक जाओगे क्या कल उठा लेंगे, रहने दो कहां जाए, टेम्पो है ही नहीं कुछ है ही नहीं, पैदल दौड़ोगे पैदल, कब तक, जब तक पहुंच नहीं जाओ, क्यों, क्योंकि जो वजह है ना वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे बढ़कर आपके लिए इस समय और कुछ भी नहीं है, क्यों,
भाई दिख रहा है, इसकी जान दिख रही है, एक बार भी कोई और थॉट आएगा? एक बार भी हम कुछ किसी और बारे में सोचेंगे? नहीं। वजह स्ट्रॉन्ग, और अगर वजह स्ट्रॉन्ग है तो काम करना है। बस इतनी सी कहानी है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं उसकी हमने कोई स्ट्रॉन्ग वजह सोची है? सैलरी तो एक अलग मैटर है, वो तो हमको पता चलेगा। जैसे मैम 10 बार बोल के देंगे गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो मिल रही है, तो वो वजह नहीं है, क्योंकि वो तो आपको पता है कि महीने के लास्ट में अकाउंट में आनी है, वो तो आनी है। फिर वजह क्या? और दैट शुड बी योर्स, वो आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वजह है, आपका वाई क्लियर है कि क्यों, तो कैसे, तो फिर पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहला काम जो मैं आपको एडवाइस करूंगा, वजह पैदा करिए। पूछिए खुद से कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या मेरे पास कोई रीजन है करने का? या कभी आप लोगों ने सोचा है, कभी डेस्क पर बैठ के आप सबसे पहले आके बैठ के कभी पूछते हैं खुद से, जैसे ही बैठे, कि इस समय मेरी ड्यूटी क्या है? खुद से बात करिए कभी, या फिर सीधे बस जो रोज का रूटीन है, आए खोले बैठा, बैठे लॉग इन किया, उससे लोग, या फिर उसे लॉग इन करने से पहले खुद से पूछा कि इस समय मेरी ड्यूटी क्या है? आपकी अंतरात्मा, योर कंसाइंस विल टेल यू कि इस समय आपकी ड्यूटी है कि आपको यही अपना बेस्ट देना। एक भी कस्टमर अनसेटिस्फाइड नहीं जाना चाहिए, एक भी, ये मेरा ड्यूटी है। और फिर जब भी आपका मन भटकेगा तो आपका मन, आपकी आत्मा खुद बोलेगी कि यार अभी अपने आप से क्या प्रॉमिस किए थे? जब अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस नहीं रख पा रहे हो तो यार दूसरों से क्या करोगे? हम ऐसे आदमी को अपना दोस्त भी नहीं बना सकते जो कहे कुछ और करे कुछ और। बना दें क्या? आपका कोई फ्रेंड हो, नया फ्रेंड बना हो, आपसे कुछ और बोले, पार्ट पीछे कुछ, पीठ के पीछे कुछ और बोले, करे कुछ और, क्या बोलोगे? यार तुम दोस्ती लायक होने रहने दो। तो फिर क्या हम कर रहे हैं? हम जो खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं वो मान रहे हैं? तो सवाल आता है कि अपना वाई क्लियर करें, कैसे एक वजह पैदा करें, कैसे खुद को उसमें इतना इन्वॉल्व कर लें कि कुछ और याद रहे ही ना। हम लोग को, अगर हम अपने पिछले एग्जाम टाइम का याद करें, जब हम पढ़ा करते थे, स्टूडेंट थे, अगर हम उस तरफ की उस समय की बात करें तो साल भर मजे मारते थे। एग्जाम टाइम पर कितना मन लगता था, लगता था कि अगर इसे 1 महीने जैसी पढ़ाई साल भर करते थे तो हम ही टॉप करने वाले थे बोर्ड, लेकिन नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है लाइफ? देखो, लाइफ इज नॉट अ सीरियस अफेयर, ज्यादा उसे गंभीरता से नहीं लेना। लाइफ में ना एक बेहतर एक्टर बनिए। जब भी कहीं बैठे ना, जब भी जो काम करें, कोई भी बंदा आपके पास आया, आप उससे बात कर रहे हैं, सोचो कि ये यहां मुझे अपना बेस्ट शॉट देना है, एक ही टेक में यहां मेरी ड्यूटी क्या है, बेस्ट शॉट देना है अपना। और अगर वो सोच लिया तो हम कोशिश करेंगे कि रीटेक नहीं होना चाहिए, रीटेक नहीं होना चाहिए, तो बेस्ट करना है अपना, यही मेरा रोल है। रोल खत्म हुआ, शॉट खत्म हुआ, आगे बढ़े, भूलो इसे। जैसे अभी पहले मैम बोल के गए कि हमारी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती है प्रोफेशनल लाइफ से, बिल्कुल होती है, सभी की होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से ले लेते हैं, यहां कुछ टेंशन होगी तो उसको खींच के ले जाएंगे घर। क्यों? क्योंकि हम इसे एक शॉट की तरह नहीं दे रहे, एक रोल की तरह नहीं दे रहे, हमें लग रहा है कि सब कुछ बस यही है, तो उसको रियल मत कंसीडर करिए। आपने अपना शॉट दिया, आपने अपने काम किया, उसके बाद घर जा रहे हैं, सोच लीजिए अब मेरा दूसरा रोल शुरू हो गया, फैमिली मैन। अब घर पे जाके दूसरा रोल है, खत्म, ये बैंक वाला खत्म, यही, इधर नहीं कैरी करूंगा मैं, इधर नहीं ले जाऊंगा। यहां घर पहुंचे तो वहां आपका रोल स्टार्ट हो जाता है। अगर आप फादर है तो अच्छे फादर का, ब्रदर है तो अच्छे ब्रदर का, हस्बैंड है तो एक हस्बैंड का। वहां आपको झल्लाहट नहीं करनी, क्योंकि अब वो रोल थोड़ी है, वो तो खत्म हो गया। अगर जिंदगी की फिल्म, जिंदगी की मूवी हिट करवानी है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा? वहां पर भी बेस्ट शॉट देना पड़ेगा भाई। इस शॉट को उससे रिलेट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। तो क्या करना है? वहां का शॉट वहां देखना है, वहां बस एक अच्छा पति बनना है। अब अच्छा पति बनने के लिए क्या करना है? तब तो तारीफ कर दो थोड़ी सी, अच्छा फादर बनना है ना, तो तारीफ तो चाहिए। कहते ना, इफ यू वॉन्ट टू विन द पीपल, प्रेज द पीपल। अगर आप लोगों को जीतना चाहते हो, लड़ाई झगड़े से नहीं, अगर आप लोगों को जीतना चाहते हो, थोड़ी सी तारीफ करना शुरू करो। तारीफ तो सबको अच्छी लगती है,
फ्लैटरिंग मत करिए, आप वो मत करिए, आप चापलूसी मत करिए, मैं चापलूसी नहीं कह रहा, जो क्वालिटी है सामने वाले के, अगर किसी ने नई शर्ट पहनी है तो तारीफ करने में क्या जाता है, बोल दीजिए अच्छी लग रही है। आपका कोई भी फ्रेंड कभी भी, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर में, कोई अगर नई चीज कोई पहनता है करता है, एक बार आपको जरूर प्रेरणा बनता है, बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप घर पे खाना खाते हो तो पहले निवाले के साथ ही बोलो ये सब्जी बहुत अच्छी बनी, बोलना पड़ेगा भाई। आप जैसे आप बोलोगे बहुत अच्छी बनी, सामने वाला लगा नहीं 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 यार नहीं नहीं, तो अरे क्या बात करे, दिस इज द बेस्ट, आज तक नहीं कैसे कर लेता हो, अब सामने वाला बताएगा हमने ऐसा किया वैसा किया, खुश हो जाएगा, कल तुमसे पूछ के सब्जी बनेगी फोन करके, क्या बना ले बता दो, आपसे पूछ के बनेगी। अगर आपने किसी के कपड़े की तारीफ कर दी कि भाई सर जैसे हमारे सर रहते हैं, सर शर्ट बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, आप और आपकी पर्सनैलिटी खुल रही है और अच्छी लग रही, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अच्छी लग रही, लेकिन अच्छी लग रही, ऐसी बात नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, अच्छी लग रही है, लेकिन क्या है कि भावनाओं को अंदर मत दबाओ, निकाल दो, बोल दो। तो अगर मैंने सर से बोला कि सर शर्ट अच्छी लग रही, सर बोले नहीं नहीं अरे अच्छी लग रही सर, कहां चली, सर बोलेंगे हम मॉल गए थे यार, तो वहां से लेके आए सर, मॉल गए थे, मॉल से लाए, कितने के लिए, अगर सर बोल दिए कि 2000। अब दो तरीके के लोग होते हैं यहाँ, एक तो बोलेगा जैसे मेरे जैसा आदमी होगा तो क्या बोलेगा, सर 2000 बहुत अच्छी मिल गई, मेरे को तो 2500 में तरह था, सर बताएंगे सर मेरे साथ चलिए आप, मैंने कहा मैं करवाऊंगा आपको सर, अरे मैंने कहा टाइम है आपके पास, अरे कैसी बातें कर रहे आप, बोलो हो जाता हूँ 5-7 बजे फिर आ जाइए आप तो। और अगर वही मैं सर से बोल दूं, सर ने बोला 2000 1500 में मिल रही थी, 1500 में यही पे बगल में वो दुकान है, आप सर अंदर से जो लगेगा टूट गए, 1000 रुपया का नुकसान, जबकि वो हुआ नहीं है, यहां हो गया, 2 दिन तक दुखी रहेंगे उस चीज को लेकर। और अगली बार जब मुझसे मिलेंगे ना और मैं लोगे तो पूछ लूंगा सर बढ़िया लग रही नहीं है, नहीं 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 नहीं, लेकिन तारीफ उस चीज की करें जो उस बंदे में है। हर किसी में अच्छाइयां बुराइयां हैं, देखो हम परफेक्ट तो हैं, कोई भी कहे कि साहब मैं परफेक्ट हूं तो उसे प्रणाम कर लीजिए भगवान, क्योंकि अगर आप परफेक्ट तो आप भगवान ही हो, इंसान तो परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान में तो कमियां होती हैं, किसी में कुछ कमी किसी में कुछ कमी, लेकिन साथ में अच्छाइयां भी होती हैं। तो हमको करना क्या है, उन अच्छाइयों को देखना है, तो तारीफ करनी। अब जैसे मैं, आप मेरा कोई स्टूडेंट है, मेरे से आगे कहते कि सर हमारे सर है कर में छोटे, बोलो सर क्या हाई डे, तो सर को जान जाएंगे पागल बना रहे मजाक बना रहे, तो वो नहीं, असली क्वालिटी को ढूंढिए और उसकी तारीफ करिए, फिर देखिए कैसे कैसे आपके आसपास का माहौल बदलता है, हर व्यक्ति आपको पसंद करने लगे। लिसन, हमें लोगों के बीच ही रहना है, तो हमारे आसपास के लोग अगर हमसे खुश रहे तो क्या बुराई है उसकी, अच्छी बात हो, तो हमें करना क्या है, थोड़ा सा तारीफ कर दे, जरूरी है, अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने आसपास के लोगों को हम खुश रख पाएंगे। दूसरी चीज क्या है, एक चीज और समझिए, हर रेस हमारी नहीं है, हर जगह हमें नहीं दौड़ना, कुत्तों की रेस में एक बार एक शेर को बैठा दिया और 1-2-3 और जैसे फायर हुआ सारे कुत्ते दौड़ गए शेर बैठा रहा, इन्हें पूछा कहा भाई साहब तुम क्या गए बैठे रहे दौड़े गए नहीं, तुम तो जीत ही जाते, अरे बोले मैं कुत्तों के साथ पकड़ूंगा। तो हर आदमी से कंपटीशन नहीं करना है, हर जगह आपको कंपटीशन नहीं लाना है, हर जगह किसी से कम्पीट करने की जरूरत नहीं है, आपको कम्पीट करना है अपने आप से, खुद को देखिए। आप पता है आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं ना, आप सभी लोग आप सब जानते हैं कि एक समय ये आपका सपना था, एक वो टाइम भी था आपकी लाइफ में जब ये जॉब जो आपके हाथ में है वो आपका एक सपना था, आज हकीकत है ना,
आज हकीकत है। तो सपने तो पूरे होते हैं ना, लेकिन करना क्या पड़ेगा, देखना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, खुद को खुद से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे आगे है, अगर वो आपसे आगे है तो उसमें शायद उसकी मेहनत है, वो आपसे 10 साल पहले शुरू कर चुका है, आप 10 साल पीछे हो, आप ही 10 साल आगे कर लोगे तो आप ही वहां पहुंच जाओगे। कंपैरिजन किल्स योर हैप्पीनेस, याद रखना, कंपैरिजन आपकी खुशी को तोड़ मरोड़ के रख देता है। होंडा सिटी ले आओ 15 लाख की, 20 लाख की, आप बहुत खुश हो, क्या होंडा सिटी लाए, बहुत खुश हो, कल तुम्हारा बगल वाला ऑडी उठा लाया, और जैसे ही ऑडी पे नजर पड़ी होंडा खुशी की, होंडा सिटी की खुशी क्या हो गई, अब मन के बहुत आया ना। अब हम क्यों, क्योंकि अब हम तुलना करने लगे, नहीं तो हम खुश थे। तो तुलना करने की जरूरत क्या है, आप जब जब तुलना करोगे तब तब आप नकारात्मक सोचोगे, तब तक आप पीछे जाओगे, या आपका सेटबैक होगा जो आपको पीछे धकेलेगा, और ना केवल फिजिकली मेंटली आपको तोड़ देगा, और उससे एक चीज प्रभावित नहीं होगी, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए, बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी। देखो प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहेंगी, कोई ये कह दे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कितने भी बड़े पोस्ट पर हो, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगे। प्रॉब्लम्स भाई, हाँ आप लोग जैसे जो भी ऑफिसर रैंक पे हैं, सबसे मुश्किल टास्क किसे देते हैं, उस बंदे को जो लगता होगा जिसमें कैपेबिलिटी है, आया ना, उसी को देंगे ना, मुश्किल टास्क होगा तो उसी को देंगे, जिसको लगेगा इसमें नॉलेज है, इसमें कैपेबिलिटी है, टाइम देंगे पूरा कर पाएगा, उसी को देंगे। तो फिर अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, तो ऊपर वाले ने हमको क्या मान रखा है, कि हम में हिम्मत है, तभी तो दिए कि हम सुलझा सकते हैं, तभी तो हमको उसने ये प्रॉब्लम्स दिए। और प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार होता क्या है, एक पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन हॉस्टल में करवा देते, पेरेंट्स तो सभी चाहते हैं कि बच्चा अच्छा पाए, इसीलिए तो पैसा खर्च करते हैं। सो हॉस्टल में उसका एडमिशन करवा देते हैं, एक साल तक उसका एजुकेशन चलता है, एक साल बाद रिजल्ट आ जाता है, अब वो बाहर ही था, तो वो अपनी माँ को एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखता है। अब वो लेटर कुछ ऐसे है, वो अपनी माँ को लेटर लिखता है, लेटर पहुंच गया, माँ लेटर पढ़ रही है ना, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे क्या होता है। तो लेटर में लिखा था कि मम्मी बाकी तो सब बढ़िया है, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, माफ कर देना। क्या गलती हो गई, पहले तो गलती सुन के ही मम्मी को थोड़ी सी गुस्सा आ गई, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि भैया इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ना चाहिए और होना भी चाहिए। गलती हो गई, क्या गलती हो गई, मैंने अपने रूममेट के डॉर से 5,000 रुपए चोरी कर लिए और उससे मैंने एक बाइक रेंट करी। तो पहले तो बहुत बड़ी बात, चोरी कर ली, चोरी के लिए भेजा, गुस्सा आने लगी, फिर बाइक रेंट पे लेके घुमक्कड़ी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, इसके लिए भेजा था, और गुस्सा आने लगा। उसने कहा बाइक रेंट पे ले गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो गया। अब गुस्सा कायम बदल गई, दुख में पराकाष्ठा हो रही चीजों की। उसे लगा इसका पैर एक्सीडेंट हो गया और मैं तो 2 घंटे तक वहां बेहोश पड़ा रहा। भला हो वहां से एक कार निकली भगवान का, उसमें एक लेडी थी, अच्छा हुआ कि वो डॉक्टर निकली, उसका हॉस्पिटल पास में था तो मुझे वहां ले गई। 2 महीने हो गए मुझे यहाँ एडमिट हुए, अब आपको पत्र लिख पा रहा हूं, चलो उसे थोड़ा सुकून मिला, अभी लेटर खत्म नहीं हुआ चल रहा है, उसे सुकून मिला कि चलो ठीक तो हो गया। उसके बाद वो क्या लिखता है कि आप देखो ऐसा है कि इस लड़की ने मेरी इतनी सेवा की डॉक्टर, तो अब मैं चाह रहा हूं कि उन्हें हम लोग शादी कर ले, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस हमारी कास्ट अलग, और मम्मी का पारा और ज्यादा ऊपर, ठीक है बहुत ज्यादा हाई। उसके बाद आगे पत्र खत्म नहीं हुआ अभी, तो हम घर ही आ रहे हैं, अब पढ़ाई वढ़ाई तो हो गई, वहीं कोई बिजनेस करेंगे, पापा के साथ बैठेंगे दुकान पे, और ज्यादा गुस्सा। अब लेटर खत्म नहीं हुआ, जैसे ही आगे पढ़ दिया रही माँ, और उसके बाद लिखा है कि जो तुमने ऊपर सोच लिया, जो लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं मैथमेटिक्स में फेल हो गया हूं, बस मैं मैथमेटिक्स में फेल हो गया हूं। जब ये पढ़ा तो उसकी खुशी से उछल पड़ी माँ, खुशी से फेल होने पर खुशी से उछल पड़ी, क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इमेजिन कर ली थी, उसके आगे फेल होना क्या था, मामूली बात,
क्या फेल हो गया? अरे पास हो जाएगा अपने साथ, बे भगवान बचा लिया। तो अब आप देखिए, और उसने आगे लिखा क्या, अगर मैं सीधा सीधा लिख देता कि मैं फेल हो गया तो आप हाय तवा मचा देते इतने पे। मतलब अगर सीधा पता चलता कि फेल हो गया तो वही प्रॉब्लम बहुत बड़ी। लेकिन कैसे पता चला? एक पहाड़ हिमालय की समस्या आई और उसके सामने एक छोटा सा कंकाल। मतलब क्या है कि प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं होती, हम उसे दिमाग में बड़ी बनाते हैं, हम उसे कितना इंपोर्टेंस दे रहे हैं उस प्रॉब्लम को, कितना टाइम दे रहे हैं। और जो अभी मैंने पहले बोला कि अगर आप एक एक्टर की तरह जिंदगी जी रहे हैं तो जो आप कर रहे हैं वो एक्टिंग है, तो फिर वो प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है सामना करेंगे, यही तो मेरा रोल है, यही तो मेरा रोल है, इसी में तो मेरे पे एक्सपर्टीज है, तो इसे मैं संभाल लूंगा। तो हमको करना क्या है, जस्ट प्रॉब्लम को इस तरीके से डील करना। और रही बात विरोध की, भाई विरोध तो होगा, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपको जूझना तो पड़ेगा, बिना जूझे कुछ नहीं होगा। ये व्हाइट बोर्ड है, अगर इसमें व्हाइट बोर्ड पर मैं व्हाइट ही मार्कर से लिख दूं तो क्या दिखेगा? दिखेगा नहीं, ब्लैक से लिखना पड़ेगा ना, तो विरोध तो होगा ना, जब विरोध होगा तभी तो निकलोगे, और तो आएंगे ना, हर्डल्स तो आएंगे ना। अगर हर्डल्स नहीं आएंगे तो आपकी कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगी? व्हाइट पे व्हाइट से लिख देंगे तो दिखेगा कैसे? तो व्हाइट पे हमें ब्लैक से ही लिखना पड़ेगा। तो ऑड्स तो आएंगे, हर्डल्स तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बस दिमाग में ये है कि आप उसको लेते कैसे। अगर आप उसको बड़ा समझ के लेंगे तो बड़ा बन जाएगा। और एक बात और, आसपास वालों की बात सुनना बंद करिए, क्योंकि याद रखना खेल में ना केवल दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। खेल में केवल आप किसी स्टेडियम में चले जाइए, कौन हो हल्ला मचा रहा होगा? दर्शक, खिलाड़ी नहीं मचाता शोर। वो तो भैया अगर सामने साइड स्क्रीन पे भी प्रॉब्लम आ जाती है ना तो भी हट जाता है कि नहीं, कंसंट्रेशन चाहिए। तो आप अपनी लाइफ के क्या है? खिलाड़ी हैं, दर्शक थोड़ी हैं। तो जो दर्शक शोर मचा रहे बना मचाने दीजिए, आप तो बस अपने गेम पे फोकस करिए, अपने रोल पे फोकस करिए। आपका रोल क्या है? आर यू प्लेइंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर? क्या आप उसे सबसे अच्छे तरीके से निभा रहे हैं? तो बस फिर छोड़ दीजिए चिंता। आसपास के लोग ना लाइव कमेंटेटर होते हैं, कभी क्रिकेट की कमेंट्री तो सब नहीं सुनी होगी, हम सभी जानते बड़े चल रहा है, एक फोर मारा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दूसरा मारा बहुत बढ़िया, तीसरा मारा बहुत बढ़िया, चौथा मारा बहुत बढ़िया, पांचवा मारा बहुत बढ़िया, अब बोलेगा तेरी छठवां क्यों मारेगा? और अगर छठवें पे कैच हो गया तुरंत पलट जाएगा, ये जरूरत ही नहीं थी, गलत कर दिया, पांच का कैच आपका जरूरत है। ऐसे ही लोग हैं हमारे आसपास, ये हमारी जिंदगी को ना एक मैच की तरह देखते हैं और लाइव कमेंट्री देते हैं। तो कमेंटेटर के हिसाब से थोड़ी खेलेंगे यार, कमेंटेटर के हिसाब से खेलेंगे क्या? नहीं, अपने दम से खेलेंगे, अपने स्किल से खेलेंगे, हमें पता है कि कैसे खेलना है। तो अपनी जिंदगी को ना अपने तरीके से खेलिए और संघर्ष से मत डरिए, संघर्ष तो होगा, प्रकृति सिखाती है। एक दिन में सफलता किसी को नहीं मिलती, चंद्रमा को भी पूरा आकार लेने में कितने दिन लगते हैं? 15। तो हम पहले दिन कैसे सफल हो जाएंगे? हमें कैसे तुरंत सफलता मिल जाएगी? आज सोचा तो आगे कैसे हो जाएगा? और बहते रहिए पानी की तरह, पानी जब तक बहता है जब तक चलता है तब तक ही शुद्ध है, जहां रुका वहीं कीड़े पड़ जाएंगे, वहीं कीचड़ हो जाएगा। ऐसी जिंदगी है, सीखते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। जब तक आप नया सीखते रहेंगे, जब तक आप बहते रहेंगे, तब तक आप डिमांड में रहेंगे, तब तक ही आपको सुना जाएगा। और जहां आपने बहना बंद किया, जहां आप रुके, खेल खत्म, खेल खत्म। तो इसलिए बहते रहिए। कितनी चीजें हैं हमारे चारों तरफ जो 2400 घंटे हमें कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ बताती रहती है। बहने वाली नदियों से यही तो सीखने को मिलता है। बहते रहिए, अगर आप बहते रहेंगे, बहते रहिए मतलब सीखते रहिए, नया करते रहिए, भले आपका जॉब परमानेंट हो, भाई आपको पता है कि आपका काम आता है, आपको चार काम और सीखिए, बगल वाले का भी सीखिए, इसका क्या काम है, बगल वाली डेस्क पे क्या काम होता है, वो भी आपको आना चाहिए, कल वो नहीं आया तो आप बैठ जाओगे वहां,
ये नहीं कि भैया हमारा काम हमें आता है बस, नहीं तुम्हारा काम तुम्हें, फिर तुम वर्सेटाइल कैसे बन जाओगे आगे कैसे, तो क्लर्क ही रह जाओगे ना, है ना। आप डिमांड में होने चाहिए, हर आदमी को आपकी जरूरत होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपके जो पीएम है वो कहें फलाने को बुलाओ, उसको बोल दो कर देगा, नाम से पता होना चाहिए आपका, नाम पर ये वो कर देगा, उसको बुलाओ। दूसरी ब्रांच में भी कोई जरूरत हो तो आपको बुलाया जाए, क्यों, क्योंकि आपको 10 काम आते हैं और आप वहीं सीमित होकर रह गए, आपने अपना दायरा संकुचित बना लिया, तो फिर आप वहीं रह जाएंगे। एक बात याद रखना, इस दुनिया में कुआ भी है और समुद्र भी है, डिपेंड बात सिर्फ केवल विश्वास करने की है कि क्या आप विश्वास करते हो कि समुद्र भी है और वो तुम्हें भी देखने को मिल सकता है। एक बार सुनामी आ गई तो कुएं का पानी, समुद्र का पानी कुएं में चला गया, उस कुएं में एक मछली चली गई, उस कुएं में एक मछली चली गई, किसके वजह से, पानी की वजह से। अब वहां एक मेढक रहता था, वो वहां का दादा था, राजा था, कोई दूसरा लगा के एक दूसरा घुसपैठ कर रहा है, तो आग बबूला हो गया, मछली डरी हुई थी, हम दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं तो वैसे ही डरते हैं, नया नया माहौल। उसने कहा भाई साहब गलती से आ गए, गलती से कैसे आ गए, पूछना चाहिए। अरे बोले आ गए, मजबूरी में आ गए, कैसे, सुनामी आई, कहां से आए, कौन हो। उसने कहा समुद्र से आए हैं। कौन सा समुद्र, कैसा होता है, तो उसने कहा ऐसे ही आपके कुएं जैसा ही है, पानी है वहां भी। अच्छा, अब हाँ करता है, कहा इतना बड़ा है तेरा समुद्र, नहीं भाई थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा, नहीं थोड़ा सा बड़ा, पूरा हाथ कर दिया उसने, इतना बड़ा है। तो मछली बोली इससे भी थोड़ा बड़ा, अब तो गुस्सा गया, झूठ बोल रही, इससे बड़ा कुछ है ही, यही दुनिया है, यही यूनिवर्स, यही ब्रह्मांड, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, झूठ बोल रही। अब गलत तो मेढक भी नहीं, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन क्या मछली गलत है, नहीं, जरूरत इतनी है कि वो मछली की बात का भरोसा कर ले कि सही बोल रही है, तो शायद उसे समुद्र देखने को मिल जाएगा। स्काई इज द लिमिट, सतत सफलता की स्काई इज द लिमिट, हौसले बुलंद होने चाहिए। वो कहते ना कि पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है, अभी जहां भी हम लोग हैं ना, कोई बड़ा मुकाम सोचा है ना, पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अरे अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी तो आसमान की उड़ान बाकी है, आसमान की उड़ान बाकी है, लेकिन आसमान की उड़ान भरने के लिए पंखों पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप पंखों पे भरोसा नहीं करेंगे, अगर आप साहस नहीं करेंगे, अगर आप प्रॉब्लम से डरेंगे, केवल इतना कर लिया इतना ही बहुत है, और कुछ करेंगे तो हो सकता कुछ और बिगड़ जाए, तो फिर आप वहीं रह जाएंगे। और एक बात याद रखिए, मेहनत और आग एक जैसी हैं, जानबूझ के छुओ, अनजाने में छुओ, आग को छुओगे तो जलोगे जरूर भैया, आग को अगर आप छूते हो तो जलोगे जरूर, ऐसी मेहनत है अगर करोगे, भले वो आपका जॉब नहीं है, भले इट्स नॉट योर ड्यूटी, लेकिन फिर भी इफ यू आर गिविंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो उसका मिलेगा जरूर। तो इसलिए मेहनत करनी है, ये नहीं है कि याद रखना विनर और लूजर में क्या अंतर होता है, वो कहता है ये मेरा काम नहीं है, विनर क्या कहता है लाओ मैं कर देता हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो मानता है कि यार गलती तो मेरी है लेकिन अगली बार नहीं होगी, यही तो अंतर है। Winners never do the different things. They do the things in a different way. आप लोगों ने पहले से सुन रखा हुआ है। तो बात इतनी सी है कि मेहनत करते रहिए, और चाहे आपको लगे कि आपको प्रोग्रेस मिल रही है चाहे नहीं मिल रही, मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। कैसे, एक सज्जन थे, कहीं जॉब करते थे, काम करते थे, मेहनत बड़ी करते थे, उनको लगा कि यार मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, फल रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, मेहनत तो कर रहा हूं पर रिजल्ट डिलीवर नहीं, परेशान हो गए, गुस्सा आ गया। कई बार हम लोग गुस्सा जाते हैं, अरे यार मैं नहीं करना ये जॉब, बहुत थक गया यार, परेशान हो गया यार, रोज के रोज वही काम,
मेरे को नहीं लड़ना, मुझसे नहीं हो रहा, गिव अप करने की कोशिश करते हैं। तो उसने गिव अप कर दिया। गिव अप करके वो मिला अपने गुरुजी से जो उसके मेंटोर थे। लाइफ में एक मेंटोर जरूर बनाइए, जिंदगी में एक मेंटोर होना चाहिए जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसके प्रति आप अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो। क्योंकि जब मेंटोर होता है, आपको पता है किस बंदे को जवाब देना, मेरे को 7 दिन में 6 दिन में महीने भर में शाम को जवाब देना है, तो राजी तो राजी नहीं तो गैर राजी, काम तो करेंगे ना, क्योंकि जवाब देना। जहां फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जहां आपको ज्यादा छूट मिल जाएगी, वहीं आप फैलने लग जाएंगे। तो एक मेंटोर बनाएंगे। तो वो अपने मेंटोर के पास जाता है, उसके गुरु ना उसे एक बाग में ले जाते हैं जहां 2 पेड़ लगे थे, एक पेड़ और एक बांस का पेड़ जो बहुत लंबा था। गुरु ने कहा इन पेड़ों को देखो, गिव अप करने से पहले, छोड़ने से पहले। उसने कहा इन पेड़ों में क्या है? गुरु ने कहा कि आज से 5 साल पहले ना मैंने ये दोनों पेड़ों के बीच डाले, 6 महीने में इस पेड़ का अंकुर निकल आया, बांस का कुछ अंकुर नहीं दिखा मुझे, साल भर में ये पौधा बन गया, बांस का कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैं दोनों में खाद पानी देता रहा। 2 साल बाद ये पेड़ बनने लगा, इसका कुछ नहीं दिखा। 4 साल में ये पूरा पेड़ बन गया, इसका कुछ नहीं दिखा, लेकिन मैं खाद पानी देता रहा, दोनों को, दोनों की सेवा करता रहा। 5वें साल जब ये बांस का पेड़ निकला तो इतना ऊंचा हुआ कि इसके सामने ये पौना पड़ गया। तो क्या जो मैंने 4 साल तक पानी दिया, सेवा की, उसका उस समय उसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई? हुई, जमीन के नीचे। क्योंकि पता था नेचर को इसको बहुत ऊंचा जाना है, और जिसको ऊंचा जाना है उसकी जड़ें उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि अगर जड़ें मजबूत नहीं हुई तो आप सक्सेस को संभाल नहीं पाओ। अगर सक्सेस आपको ऐसे ही थाल में सर परोस के मिल जाए तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। याद रखना, हिस्ट्री देखो, अयोग्य राजा पूरा राज नहीं संभाल पाए जो पिता से मिल गया, तो आपको तपना तो पड़ेगा। तो अगर आपको मेहनत का फल आपको लग रहा कि नहीं मिल रहा और आप कर रहे, तो याद रखना, अपने मन में सोच लो कि मेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं इस संघर्ष से, क्योंकि जब मैं बढ़ूंगा तो जिनको मैं बड़ा मान रहा हूं वो मेरे सामने बोने दिखने लग जाएंगे। इसलिए गिव अप नहीं, लगे रहना। जो आप कर रहे हो, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको लग रहा है, बस करते रहिए। और बी हम्बल, बी पोलाइट, बहुत ज्यादा विनम्र बनिए, बहुत ज्यादा। कहते हैं डोंट स्लैप ऑन द फेस, मुंह पे मना मत करो यार किसी से कुछ, दो टूक में जवाब मत दो। बी हम्बल, बी पोलाइट, विनम्रता से। देखिए आपके ऑफिस में मान लो 2 लोग हैं और एक थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पिटेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरा थोड़ा कम है, लेकिन जब वहां बॉस आता है तो एक खड़ा होकर गुड मॉर्निंग विश कर देता है, दूसरा बैठा रहता है, लगातार ऐसा होता है। कभी प्रमोशन में इमीडिएट बॉस से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कौन बेहतर है, किसका नाम लिया जाए जो विश करता है? भले वो थोड़ा ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हो, वो कॉम्पिटेंट हो, बिहेवियर। एक बात याद रखना, काम के साथ साथ हमारा बिहेवियर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को हमसे हमारे बिहेवियर से मतलब होता है, हमारा बिहेवियर कैसा है। अगर आप रूड हैं और आप कॉम्पिटेंट भी हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो भी आपको उतना अच्छा नहीं समझा जाएगा। कहते ना, विनम्रता वीरस भूषणम, ताकत के साथ विनम्रता भी आनी चाहिए, तभी आप उसे संभाल पाओगे। जॉब के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उतनी ज्यादा आपको विनम्र भी होना चाहिए। जितना ज्यादा विनम्र होंगे, आप देखिए जब आप झुकते हैं, बड़े होकर जब आप झुकते हैं तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं, और छोटे होकर जैसे भी आगे अकड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरों की नजरों में आप नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए विनम्रता तो रखिए, विनम्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने काम में या जहां भी आपकी लाइफ है वहां आपको नहीं पता कौन, हम में से हर आदमी ना एक लड़ाई लड़ रहा है, एक जंग लड़ रहा है अपने अंदर। हर किसी की समस्याएं हैं, हर किसी की कोई ना कोई दिक्कत है, और वो आदमी आपके पास आया कहां से आ रहा, क्या कैसे से टाइम निकाल के आ रहा, कहां जूझ के आ रहा, क्या क्या दिक्कतें हैं उसकी लाइफ में, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। फिर आगे हमने जस्ट बी स्लैप ऑन द फेस, नहीं भैया नहीं होगा तुम्हारा काम, जाओ जो पेपर लेके आओ, ठीक है पेपर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उस बात को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, नहीं नहीं नहीं
नहीं ठीक है बात नहीं। क्या जाता है? उससे कुछ आपको विनम्रता से कुछ नहीं जाता। अगर आप वही बात आप ऐसे भी कहते हैं कि भैया ये पेपर चाहिए, ठीक है मैं कल तक देखता हूँ, कल ये पेपर ले आओ, प्रेम से बात कर लेंगे, थोड़ा सुकून मिल जाएगा उसका। पता नहीं मैं हर ये नहीं कि हर व्यक्ति ही परेशान है, लेकिन हमें क्या पता कि जो हमने आया हमसे आस लगा के आया तो हम उसका थोड़ा सा हेल्प कर देंगे इस बहाने, है ना, उसकी लड़ाई में दो कदम हम भी उसके साथ चल दें। हो सकता है कहीं और से धुतकारा हुआ हो, हमारे द्वारा उसे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। देखो जब हम पब्लिक डीलिंग में होते हैं ना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, रोज 50-100 हजार लोगों से मिलना। भाई देखो सैलरी के लिए तो सभी जॉब करते हैं, सैलरी के लिए तो सभी जॉब करते हैं, सबको सैलरी तो चाहिए भाई, पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो सेटिस्फेक्शन आएगा, जो खुशी आएगी कि आज दिन में दो लोग हमारी वजह से खुशी हुए, जैसे वो सर बोल रहे थे कि दो लोगों को हमने सूद किया, रिलैक्स किया, उनकी समस्या का हल किया, तो ये हम कर सकते हैं। और इसका रिटर्न आता है सूनर और लेटर, इसका रिटर्न जरूर आएगा। और साथ साथ ये भी याद रखें कि हमारी जिंदगी जो है ना वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें कैसे जीना है, हमें क्या सोचना है, परिस्थितियों को दोष देना है या खुद को ब्लेम करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। टोटली देखिए, जापान में एक लड़का था जिसका नाम था ओकायो। अब होता क्या है कि ओकायो का बचपन से मतलब पैदा होते थोड़ा सा ही बड़ा था, 2-4 साल का उसका सपना था कि मेरे को ना मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना, वहां ज्यादा पॉपुलर है जापान में मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना। सो पेरेंट्स ने कहा बनवा देंगे, क्या दिक्कत है बेटा, तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे अच्छे स्कूल में, जाओ। 4-5 साल का हुआ उसके साथ एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट में उसका एक दायना हाथ कट गया। अब जिसका दायना हाथ कट जाए क्या हम उसे इमेजिन करेंगे कि वो मार्शल आर्ट का चैंपियन बने? शायद नहीं। माँ बाप ने भी यही समझाया, उसको भी बहुत दुख हुआ, रोया, सपना टूटता है तो रोते हैं, लेकिन उसकी जिद बढ़ती गई कि नहीं मेरे को तो बनना है। ज्यादा फोर्स किया पेरेंट्स को तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि इसको लग रहा है कि हम नहीं बनने दे रहे, तो चलो इसको स्कूल ले चलते, वहां टीचर खुद ही बोल देंगे कि नहीं भाई नहीं बन पाओगे, अपने आप मान जाएगा, ले जाते हैं। तो वहां के जो हेड मास्टर थे उनसे बात होती है तो हेड मास्टर समझाते हैं, पेरेंट पहले सिचुएशन बता देते हैं पूरी कि देखो बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है, रहने दो। और एक उनके मुंह से एक सवाल एक बात निकल जाती है कि तुम कैसे बनोगे, खुद को देखो तो तुम कैसे बनोगे, कैसे सीखोगे? तो वो कहता है कि कैसे सीखूंगा तो ये तो आप बताओ मास्टर, आप हो कि मैं, मास्टर सिखाने वाले आप हो ना, आप बताओ कैसे सीखूंगा। मैं ये जानता हूं कि मैं बनना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, लेकिन कैसे तो आप जानो ना, मास्टर तो आप हो। बड़ी अच्छी लगी है बात। तो उन्होंने कहा ठीक है, लिया तुम्हारा एडमिशन, लेकिन एक शर्त है, मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे जब तक पूरी शिक्षा ना हो जाए कि गुरुजी ये क्यों और वो क्यों, जो कह दूंगा सिर झुका के मानोगे, और जिस दिन सवाल किया उस दिन भोजी बिस्तर उठा के निकल जाइए यहां से, इसको तो चाहिए था एडमिशन। ठीक है, अब गुरुजी ने पहले दिन की क्लास ली और बच्चों को एक किक सिखाई, एक दाव सिखाया, सबको सिखाया, ओकायो को भी सिखाया। अगले दिन ओकायो से कहा जाओ बेटा वही प्रैक्टिस करो, और दूसरों को कुछ और सिखाने लगे। तीसरे दिन फिर कहा जाओ बेटा वही प्रैक्टिस करो, और लोगों को और सिखाने लगे। ऐसा 6 महीने तक चला, कितना सब्र करे कोई, सब्र का बांध धड़क गया, उसने गुरु जी से पूछ लिया कि ये तो 9th आ गया, आप सबको सब कुछ सिखा रहे हैं, मेरे को नहीं सिखा रहे, मैं कैसे बनूंगा चैंपियन? उन्होंने कहा तुम बोलिए बस उठा के निकलो। तो भैया डट गए, साल भर हुई, अब महायोद्धा की प्रतियोगिता शुरू हुई स्कूल में, अलग अलग योद्धा अलग अलग मैचेस। ओकायो को बुला के उन्होंने कहा बेटा तुमको भी हिस्सा लेना। बोला का पिटवाओगे का, मुझे सिखाए होने साल भर आपका पिटवाओगे का? गुरु जी ने कहा क्या बोला था तुमसे? तो भाई ठीक है, पहला मैच हुआ, ओकायो पिटा भी, लेकिन उसके पास एक ही दाव था किक का, वो दाव चला सामने वाला नॉकआउट, चित सह ही नहीं पाया, सबने हाथ सबने को लगाया, तुक्का लग गया, तुक्का लग गया इसका चल, और सब लोग उसे हल्के में भी ले रहे थे, साथ में थे,
उसने कुछ सीखा नहीं था, ऊपर से हाथ नहीं। दूसरा मैच में भी पिटते पिटते जैसे उसकी लात चले सामने वाला चिप, सारे मैच जीत गया, फाइनल में पहुंच गया, किसी को भरोसा ना। और फाइनल में एक बार में उसने उसे नॉकआउट कर दिया। उसे खुद पर भरोसा ना हो, जब उसे ट्रॉफी दी गई तो उसे खुद पर भरोसा ना हो गया, क्या मैं बन गया? गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने कहा, उसने कहा गुरु जी मैं कैसे बन गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुक्का लग रहा है, ऐसे तुक्का लगता है। गुरु जी ने कहा सुन, पहली बात कि तूने एक ही जगह अपनी पूरी ऊर्जा लगाई थी, इसलिए वो दाव इतना पक्का था कि अगर पड़ता तो सामने वाला गिरता। और इसका एक स्टार्ट भी है, एक तोड़ भी है, डिफेंस भी है, कि अगर कोई आप पर ये दाव चलाए तो आप उसका दाहिना हाथ पकड़ के खींचो। मैंने सबको सिखाया लेकिन तुम्हारा खींचते क्या है ही नहीं, कहां से खींचते? मतलब ओकायो की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हाथ का ना होना। इसके वजह से उसका सपना टूट गया था। सबसे बड़ी ताकत क्या बना? हाथ का ना होना। अगर कोई कमी लगती है अपने आप में, उसमें इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो तो भाई तुम्हारी ताकत बन जाए। हम सब जानते हैं अमिताभ बच्चन जी को ऑल इंडिया रेडियो में पहले ऑडिशन में नहीं लिया, काय की वजह से? आवाज की वजह से, कि भारी है भाई तुम्हारी आवाज चले गई। आज जो कोविड में, नमस्कार, कोविड-19 अभी हमारे को आया नहीं है, यही था ना भाई, आवाज पूरा देश सुन रहा है यार, जिस आवाज के लिए रिजेक्ट कर दिया था। मतलब जो आपकी कमजोरी है उसमें इतनी मेहनत करो, ताकत बन जाए, दुनिया को चौंका दो। कोई आपसे बोले आपको ये काम नहीं आता बैंकिंग में, वही सीखो, और इतना अच्छे से सीखो किसी के दम पे आगे बढ़ो, लोग उसको तालियां बजाएं उसी के लिए, रो के मत बजो बैठो। दूसरी चीज, दूसरे का हाँ तुम बड़े होशियार हो, नो किसी ने तुमसे कहा तुमको ये नहीं आता, उसको बोलो थैंक यू, हम सीख लेंगे, तुमने बता दिया, बता तो दिया भैया। कहते ना निंदक नहीं है राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदकों को ना क्रिटिसाइजर को अपने पास रखिए, ये आपको ऐसे धोएंगे, बिल्कुल गंदगी रहनी नहीं देंगे, बिल्कुल इनकम्पिटेंसी रहनी नहीं देंगे, कंप्लेंट बना के छोड़ेंगे। तुमने ये कमी है तुम्हें, तुमने सुधार ली, अब बताएंगे तुम ये वाले फिर ये वाले ठीक है, वो भी सुधार लेंगे, और ये परफेक्ट बनेगा। तो इसलिए हमें ये जिंदगी हमारी है। अब वो काय चाहता तो रोता रहता किस्मत को, कि भाई मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरा हाथ कट गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो रोता रहता। क्या योद्धा बन पाता? नहीं। उसने कहा जो भी है सो है, लेकिन मेरा सपना है वो तो मैं जीऊंगा। तो वही हमको करना है, कमी को पकड़ के रोना नहीं है, उस पर मेहनत करनी है इतनी कि वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। एक बात मैं बहुत अच्छी बोल के गई हूं कि थैंकफुल बनिए, ग्रेट बी ग्रेटफुल, डोंट कंप्लेन, बी ग्रेटफुल। सुबह जब जगिए ना तो ईश्वर का धन्यवाद करिए, कुछ बात होते नियम बनाइए, अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। सबसे पहले बोलिए कि हे ईश्वर आपका धन्यवाद कि मैं जिंदा जग गया, तो रात में निकल जाता तो क्या कर लेता, मैं सोते सोते निकल जाते तो क्या कर लेते, क्या कर लेते भैया, निकल जाते आपको कल लोग उगल, कईयों की मौत हो जाती है सोते उठते ही नहीं, तो तुम उठ गए यार, मतलब तुम लाखों लोगों से आगे हो, भाग्यशाली हो, नहीं हो नहीं तो निपट नहीं जाते, निकल नहीं जाते, तो लाखों लोगों से भाग्यशाली हो तभी तो जगे जिंदा। तो धन्यवाद करिए कि मैं बहुत किस्मत वाला आदमी हूँ कि आज जग गया, एक नया दिन मिला मेरे को, एक पूरा नया दिन मिला मेरे को जीने के लिए फिर से, तो थैंक धन्यवाद बोलिए ईश्वर। दूसरी बात धन्यवाद बोलिए कि हे ईश्वर आपका बड़ा धन्यवाद कि मेरे हाथ पर सलामत है यार, है ना, हाथ पर सलामत है ना, क्यों लंगड़े लुगड़े पैदा होते तो क्या कर लेते है, नहीं लोग पैदा होते नहीं है बच्चे, अंधे नहीं होते हैं क्या, वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं जीते, जीते है ना, तो तुमको हाथ पर सलामत के साथ भगवान ने रखा है तो ये धन्यवाद करने की बात नहीं है। नहीं तो करो गूगल कितने लोग हैं विकलांग, कितने लोग हैं हैंडीकैप जो तुम नहीं हो, तो धन्यवाद करो भगवान को उसी। तीसरा चीज, भगवान को धन्यवाद करो कि दो वक्त की रोटी है यार हमारे पास, कईयों के पास नहीं है, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं फिर भी नहीं है, तो हमारे पास है तो हम भाग्यशाली हैं, हमारे पास एक अच्छा काम है, निकम्मे नहीं है, एक काम है जाके हम एक डेस्क है जहां जाके हम बैठ सकते हैं, एक काम करते हैं, कई लोगों की मदद करने का ताकत है हमारे पास,
हमारे पास एक काम है, बहुतों के पास नहीं है। जब हम लोग तैयारी कर रहे होंगे जॉब के लिए, अब सारी तैयारी कर रहे होंगे ना, और नौकरी कितनी बड़ी लगती है, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू में रह गए, फिर ऐसा हो गया, तो लेकिन अब काम है, इसके लिए धन्यवाद करें। और जब आपने चार चीजों के लिए धन्यवाद कर दिया पूरे दिन में, कौन से मुंह से बोलोगे भगवान से कि हमारे साथ ही बुरा काय होता है, हमारी किस्मत खराब है, कौन से मुंह से बोलोगे? सुबह सुबह चार बार धन्यवाद कर चुके हो ना, तो किस बात किस मुंह से बोलोगे? वो एक बात याद रखना कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना, द सीक्रेट बुक कितने लोगों ने पढ़ी है? द सीक्रेट बुक, चलो ठीक है, वो बड़ी अच्छी किताब है, पढ़िएगा, बड़ा मजा आता है और काफी हमारी सोच को बदल के रखती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी से चीजें पृथ्वी की ओर आती हैं, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप जो भी सोचोगे, जैसा सोचोगे वही आपके पास अट्रैक्ट होके आएगा। अब हमको लगेगा ऐसे कैसे, हम तो अच्छा ही सोचेंगे। कितने लोग हैं जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं? एक बताओ, आग्रह कोई कि साहब हम तो अपने बारे में 24 घंटा अच्छे अच्छा सोचते हैं। कितने लोग सोचते हैं? अरे भैया हम कदम कदम पर बुरा सोचते हैं। ऊंचाई पे चल रहे हो, पीछे चिल्लाओ गिर मत जाइयो, काहे गिर जाएंगे भैया, चिल्लाते हैं भाई लेके निकले हो आराम से, लेके ठोक मत दियो। कितने ठोकते हैं? अगर हर किसी को ठोकना ही होता तो फिर निकलते ही नहीं बाहर, आराम से चलियो, नहीं तो कोई ठोक के चला जाएगा, क्यों चला जाएगा? एग्जाम के रिजल्ट से पहले डर काहे का सताता है? अगर पास होने का विश्वास हो तो फिर डर काहे का, फेल होने का? क्योंकि हम सोचते हैं ये हो सकते हैं, इसीलिए तो डर है। मान लो गारंटी हो के पास हो जाएंगे तो काहे को डरेंगे? मतलब हम अपने बारे में अच्छा सोचते ही नहीं है, और जो सोचते हैं तो वही मिलता है, जो मांगोगे वही मिलेगा, मांग के जो मेहनत करोगे, जो बार बार सोचोगे, जिससे घिरे रहोगे, वही चीज तुम्हारे पास आएगी। आप उदास हो जाइए और सोच लीजिए आपका फीवर आगे आ जाएगा, आधे घंटे लेट जाइए, अब यहाँ आ जाएगा, नहीं आया होगा तो ही आ जाएगा। तो सब कुछ यहां से होता है। आपको पता है जो कुछ भी मेंटेन करता है ना, हमारा ब्रेन मेंटेन करता है, पूरा शरीर तो एक कुछ नहीं है। जैसे आप लोग पैरालिसिस के बारे में सुना होगा, पैरालिसिस में कोई हाथ शरीर थोड़ी खराब होता है, दिमाग का वो हिस्सा बंद हो जाता है जो उसको ऑर्डर दे रहा होता है, सब कुछ दिमाग करता है। आप लोगों से जैसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, तो मेरी आंखें केवल दिमाग को इमेज बना के दे रही है, दिमाग उसको देख रहा है मेमोरी में कोई ऐसा है नहीं है, तो समझ गए सब लोग नए मिल लो इनसे, सबसे नाम पूछे अभी मैं पूछूंगा, नंबर भी ले लिए, तो वो उसको आदेश दे रहा है कि, तो दिमाग सब कुछ मेंटेन करता है। तो जैसा दिमाग सोचता है वैसी चीजें हम लोग अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वही हमारी तरफ की दुनिया बन जाती है, जिंदगी बन जाती है। तो बस दिमाग हमें ध्यान ये देना है कि हम वो सोचें जो अच्छा है। ये मगरुमंत्र सीख लीजिए, अपने आप से बोलते रहिए हमेशा, किसी और से नहीं बोलना, अपने आप से, मेरे साथ अच्छा हुआ है, अच्छा हो सकता है, अच्छा ही होगा, ये गुरु मंत्र सीख लीजिए, मेरे साथ अच्छा हुआ है, अच्छा हो सकता है। जब भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब भी आपको लगे, तो आप बस अपने आप से बार बार बोलिए मन में, मेरे साथ अच्छा हुआ है, अच्छा हो सकता है, अच्छा ही होगा, आप देख लीजिएगा अच्छा ही होने लगे। और अगर आप घबराते रहेंगे, अरे यार आप क्या, पता है हम वर्स्ट के लिए रेडी नहीं हो पाते। वो कहते ना कि वर्क फॉर द बेस्ट and try for the best and be ready for the worst. Best के लिए काम करिए, लेकिन तैयार काय के लिए रहिए, worst के लिए। एक बार आप तैयार हो गए कि बुरे से बुरा क्या होगा, वो जान लो कोई भी सिचुएशन में, एक बार अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो गए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, then you will find the solution, you will work on the solution. तो आप फिर सोल्यूशन पे काम करना स्टार्ट करोगे। लेकिन अभी तो हम पीछे में लटके रहते हैं घड़ी से, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, अरे तो रुक तो जाओ यार, सोच तो लो कर दो क्या। और अगर तुम सोच लिए then you work with solution, फिर हम सोचेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो इसका solution क्या करेंगे, हम इसको कैसे फेस करेंगे, solution मिल जाए। तो इसलिए हमको तैयार रहना है। और जैसा कि मैडम ने कहा, तारीफ करी, जब अच्छा सोचने की तारीफ यही है, सुबह उठ जाइए शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए कि मैं दुनिया का सबसे हैंडसम और ब्यूटीफुल इंसान हूं। अरे हो ना तुम ब्यूटीफुल, पूछो अपनी मम्मी से ना, कहे मेरा लाल मेरा बेटा, अभी अगर हमारी माता जी है तो पूछे उनसे, तुम दुनिया के सबसे सुंदर आदमी हो यार, उनके लिए सबसे सुंदर लड़की हो, उनके लिए माँ से पूछो।
बोलो कि मैं दुनिया का सबसे, एक्चुअली क्या होता है, हमको ऐसा लगता है हमारे अंदर, हम सबके अंदर ना एक छोटा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दबा हुआ है, कमतर की भावना, दूसरा हमें ज्यादा बेहतर लगता है। और ऐसा कोई ना कोई होता ही है हमारी जिंदगी में आसपास, ये कमतर की भावना से निकलना है। आप देखिए, आपको बताओ कि ये आदमी कमाल है, इसको कुछ नहीं आता, आप देखिए कैसे जेंटलमैन बन के बात करोगे इसके साथ तन के, और तुमको बताओ बहुत इंटेलिजेंट है भाई साहब, जी हमें बहुत इंटेलिजेंट है, कपोगे तुम बोलने से पहले, सही बता रहा, कपोगे आप, फंबल करोगे, हिंदी नहीं बोल पाओगे, अंग्रेजी छोड़ो, क्यों? क्योंकि तुमने खुद को कमतर आंक लिया उसकी तुलना में। अरे यार, जो हमें आता वो बेस्ट आता है, तो हम बाबू बात रखेंगे, बाकी परफेक्ट तो कोई नहीं है, तो हम वो बात रखेंगे। तो मैं दुनिया का सबसे सुंदर इंसान, मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट, मैं दुनिया का सबसे मेहनती इंसान, और मैं दुनिया का सबसे सिंसियर। आपको पता है दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है, कौन बताएगा मुझे? थोड़ा सा इंटरेक्शन भी कर लेते हैं, कौन बताएगा दुनिया का सबसे कठिन काम? गेस करो, कोई ट्राई तो करो यार, नहीं पता आप लोगों को, नहीं पता दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? अरे यार, दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी भी काम को रोज करना, किसी भी काम को रोज करना ही दुनिया का सबसे कठिन काम है। अगर मैं आपसे कहूं कि रोज 12 बजे आके इसका स्विच ऑन कर दियो, रोज करना है, और एक दिन भी नहीं करे तो नौकरी छीन लेंगे तुम्हारी, क्या बोलोगे? ऐसे कैसे कर लेंगे सर, रोज कैसे आ गए, एक फंस गए कहीं तो, बीमार हो गए तो 50 बहाने आएंगे, रोज नहीं कर सकते रोज। और जैसे मैम बोल रही थी ना कि भविष्य की चिंता मत करिए, भविष्य में ज्यादा मत सोचिए, आपने कहानी सुनी कि 99 की, 99 के चक्कर में फंस गया, सुनिए कभी, कहते तो ये 99 के चक्कर में फंसे, 99 मतलब 99 क्या था, एक राजा के ना एक मालिश वाला आता था, दम पे राजा की मालिश करता था, एक रुपया मिलता था उसे सोने के सिक्के चलते, एक रुपये में जाकर दूध पीता था, खाता था, पीता था, उसे पता था कल की जिंदगी नहीं करता था, कल फिर जाएगा राजा के पास, तो फिर मिलेगा एक रुपया, तंदुरुस्त और खुश था, बहुत तंदुरुस्त और खुश, राजा को जलन होने लगी उससे कि यार मैं राजा, मैं खुश नहीं हूं, ये इतना खुश है मुझसे, ऐसे कैसे? राजा को बहुत जलन होने लगी उससे, वो मस्त आता और बढ़िया कुछी कुछी हंसते हंसते उनकी मजाक करता और एक रुपए लेके चला जाता, राजा को गुस्सा आने लगी, चलने लगा वो उसकी खुशी से, उसने अपने मंत्री को बुलाया कि यार इसकी ये कितना खुश कैसे, मैं राजा होके पूरे देश का मालिक होके मैं खुश नहीं हूं, ये कैसे खुश है? तो उसने कहा महाराज एक महीना दो, पता करते हैं इसको दुखी कर दिया। तो राजा ने, उस मंत्री ने क्या किया, एक रात जाके उसके घर में एक थैली फेंक दी सोने की मोहर की, 99 कितनी 99 और फिर उसमें जगह देखी, सोने देख के तो खुश हो जाएगा आदमी, हमको भी अगर सोने की थैली मिल जाए उसमें तो जल्दी जल्दी खेले उसने, 1 2 3 4 99 उसे लगा कोई फेंकेगा तो 100 फेंकेगा, 99 क्या फेंकेगा, पत्नी बोली तुम्हें गिनना नहीं आता मुझे तो, अगर 54 भी बचाऊंगा मेरा दोबारा नाम काम हो जाएगा, अगर 54 बचाऊंगा तो 100 कर लूंगा 4 दिन, तो भाई उसने 100 कर, 100 हुए तो उसे लगा कि यार ये तो 150 भी हो सकते हैं, तो उसने सोचा कि मैं 8 नाम काम चला लूंगा, आठाना में काम सेव कर लूंगा, सेव करना शुरू करी और रोज शाम को आगे गिनता और 150 हो गए, अब उसे लगा 200 हो जाएगी, अब फंस गया वो, और फिर उसने 54 खर्च करना शुरू कर दी, 12 बचाने शुरू कर दी, अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा और टेंशन कोई रहती कि अब जाके गिनने हैं कितने हो गए, अब जाके गिनने हैं शाम को कितने हो गए, रोज गिने, पत्नी हो गई परेशान उससे, एक दिन उठा के कहो सबकी सॉफिंग कर लेगा, ले आया शाम को आया थैली देखी खाली भड़बड़ा गया, तो ये क्या है कहां गए, उसने कहा मैं शॉपिंग कर लाई, रोज के रोज गिनते रहते, गुस्सा गया ये क्या है, कैसे जी जान लगा के काम करके कमा रहा हूं तूने बर्बाद कर दिए, गलत बात है, ज्यादा चिल्ला है, तुमने कहा जा रही हूं माए चली गई, अब माए के चली गई, कल से खुद रोटी ठोक रहे, पूरा काम कर रहे और उधर मालिश के लिए तो जानेंगे, और वो इतना बड़ा भोज लेके बैठे, 150 हो गए थे वो खत्म हो गए, एक महीने में सूख गए, राजा ने देखा कि इसकी हालत तो बदल गई, तो उसने मंत्री से पूछा कि तूने करा क्या,
अरे बोले महाराज कुछ नहीं किया, ऐसे नुन्यानवे के फेर में फंसा दिया मैंने, मतलब भविष्य की चिंता में फंसा दिया, फ्यूचर की चिंता में फंसा दिया कि कल क्या। तो ये चिंता करने से देखो आज जो है वो कल भी रहेगा, आज मिला है कल भी मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम सुकून में है कि जॉब सिक्योर है, अभी एक ऑर्डर आ जाए कहीं से गवर्नमेंट का कुछ ऐसा आ जाए कि या सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं और उसमें पीएनबी भी शामिल है और उसके बाद टेस्ट होगा, फिर देखा जाएगा किसको कौन सी जॉब मिलेगी, कौन क्लर्क बनेगा कौन मैनेजर, सब एक बराबर है और सबका टेस्ट होगा। देखो हमारी क्या हालत होने वाली है, नींद नहीं आएगी दो दिन तक, दो दिन का है ना एकदम, देखो एकदम परिस्थिति बदल गई कि नहीं। सो मत सोचिए भविष्य के बारे में, आज तक दिया है भगवान ने आगे भी देगा, बस अपनी ईमानदारी रखिए, सिंसियर बन के रहिए, अपने आप से पूछते रहिए कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं या नहीं, और अगर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं तो मुझे और किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। देखो हम दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, दूसरों से बहाने बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ तो हम 24 घंटे हैं, अपने घर साथ तो हम अपने आप से सच थोड़ी बोल सकते हैं। तो बस अपने आप से सच बोलते रहिए, जो इंसान खुद के लिए ईमानदार है वो दुनिया के लिए अपने आप हो जाएगा। अगर आप खुद के लिए ईमानदार हो तो ऑब्वियस अच्छे से काम करोगे, काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वैसे ही ईमानदार हो जाओगे, अच्छा खासा प्रमोशन का पैसे मिलेंगे, परिवार को ज्यादा बेहतर जिंदगी दे पाएंगे, उनके लिए भी ईमानदार हो गए। ठीक है, चार लोग हमारे पास आएंगे ईमानदारी से काम करेंगे, उनके लिए भी हो गए, और अगर हम इस तरीके से हो गए तो जिंदगी मस्त है, बढ़िया। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप पता है आप में से ऐसे कितने लोग हैं, हाथ उठा के मुझे ईमानदारी से बताना, जिनने आज केवल आज ही पूछ रहा हूँ सुबह से लेके अब तक अपने आप को महसूस किया खुद को ऊपर से हम हैं, कितने ईमानदारी से लड़ाई हो, जिनने खुद को felt themselves, इन्हें खुद को फील किया कि मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही, मैंने अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक महसूस किया, मैं हूं एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता हूं, कितने लोगों ने किया, कहां से करो, दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था कि आप उधर जाना है ट्रेनिंग में जाना है, फिर यहां बैठ के अरे यार यहां से कब छुटकारा मिलेगा, है एक घंटा तो मैडम का हो गया पीपीटी, अब इसके बाद ये शुरू हो गए, हैं पता नहीं जी आदमी क्या बोलेगा, हैं इधर देर से हम उनको सुन रहे थे, अब कहा यार पॉजिटिव पॉजिटिव, हम सब जानते हैं पॉजिटिव, कैसे सोच रहे पॉजिटिव, हमारी हमको देखो ना हमें आओ हम चूझ रहे कैसे, हम तो कह रहे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हम जानते हैं पॉजिटिव क्या होता है, हमें बता रहे हैं, अब इनको झेलो, अब पता नहीं जे काम बोलने वाले, तो ये चल रहा, लेकिन खुद को फील नहीं किया। इसीलिए अगर मैं पूछूं कि कितनी जो जिंदगी हो गई है 20 साल 25 साल 30 साल वो कब निकल गई पता चला, ज्यादातर का जवाब होगा नहीं, ऐसे ही तो लगता है जैसे कल की बात, हेलो बोलते हैं ऐसे लगता कल की बात है यार, जब हम कॉलेज में थे क्या मजा थे हमारे, कॉलेज तो कॉलेज कॉलेज तो कॉलेज होता है। सो हमने अपने आप को फील ही नहीं किया तो हम जिंदा ही नहीं है, जिए ही नहीं रहे, नहीं जी रहे भाई, अपने लिए जिए नहीं रहे, एक बार महसूस करके तो देखो कितना अच्छा लगता है, एक बार खुद को महसूस करके देखो इतना बढ़िया लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार इसमें जो सुख है वो कहीं और नहीं है, जैसे कई लोग कहते हैं जो मजा सोने में वो दुनिया के काऊ के कोने में नहीं है, तो ऐसे ही है। अब हम ना एक दो सेकंड के लिए जो मैं बोलूंगा ना सिर्फ दो मिनट एक मिनट आधा मिनट लूंगा, जो मैं बोलूं आपको फील करना है, अगर आपको आपकी कोई जिंदगी बदलने जैसी चीज ना लगे और फिर एक्सरसाइज को से जिंदगी भर करना है, जब टाइम मिले जब स्ट्रेस में हो, अगर आपने वर्ड टू वर्ड मुझे फॉलो किया जो मैं बोलूं वो आपने वास्तव में इमेजिन किया, याद रखना दिमाग की इमेजिनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, दिमाग जितना जो चीज तुम इमेजिन कर लोगे वो चीज लंबे समय तक याद रहती है। सो जो मैं बोलूं आपको ना बस उसको फॉलो करना है, ऐसा समझ लो कि मैं टीचर आप विद्यार्थी, वैसे तो आप लोग कहीं मुझसे वरिष्ठ भी हो गए बड़े भी हो गए, लेकिन चलो मान लेते हैं यार है ना, यहाँ जो माइक लेके खड़ा हो जाए उसको मान लेते हैं, ठीक है सुन लेते हैं, ठीक है वैसे तो अपन किसी की सुनते नहीं है, है ना अपना तो यही चीज है ना, अपन किसी की सुनते नहीं है, लेकिन चलो यार सुन लो मेरी, ऐसा मान लेते हैं सुन लो,
है ना, वैसे तो हम किसी की नहीं सुनते, हम अपनी ही सुनते हैं, है ना। चलो तो जो मैं पहले एक्सरसाइज कुछ ऐसी है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मैं आपसे जो जो बोलता जाऊंगा आपको आईज क्लोज करके यू हैव टू जस्ट फील इट, कोशिश करनी है फील करनी, हो जाए तो हो जाए और रास्ते में कोई रुकावट आ रही है तो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई तो मारेंगे, ट्राई तो मारेंगे, है ना। हो गया तो क्या कहने, और नहीं हुआ यार का अफसोस का है, ट्राई तो किए ही हम, ठीक है। तो जब मैं आंख बंद करके जो भी बोलूं बस आप कल्पना करते जाइएगा, सब सब करेंगे, है ना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, है ना, निवेदन है, है ना, क्योंकि हम आदेश तो काल को मानते नहीं है, तो रिक्वेस्ट मान ही लेंगे, रिक्वेस्ट मान लेंगे, हाँ चलो रिक्वेस्ट मान लेंगे, मान लेंगे, बोल दो यार मान लेंगे, मान लेंगे, मान मान रिक्वेस्ट मान ही लेंगे। सो हमको अपनी आईज क्लोज करनी है और मैं जो वर्ड बोलूं वो वर्ड आपको क्या करना है, फील करना है, ऐसा महसूस करना है जैसे कोई झरना फूट पड़ा, ऐसा महसूस करना है कि बस अब तो कोई सीमा ही नहीं है हैप्पीनेस, ठीक है। सो बस एक मिनट लगेगा, क्लोज योर आईज सब लोग प्लीज, ठीक है, महसूस करिए कि आप बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से खुशी उमड़ रही है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, बहुत ज्यादा कोई झरना है खुशी का जो क्या कर रहा है आपके अंदर बह रहा है, आपके अंदर बह रहा है, इतने ज्यादा खुश हैं, इतने ज्यादा ये लग रहा है कि मुंह से एक स्माइल निकल पड़ रही है, चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, ऐसा लग रहा है कि बस अब दुनिया में और कुछ नहीं है, बस मैं हूं और मेरी खुशी, इतना ज्यादा खुश हूं, मेरे ऊपर कोई झरना गिर रहा है, मैं खुश हूं। उन लोगों का चेहरा याद करिए जिनको आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, इमेजिन करिए, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपकी बीवी हो, और वो भी हो, ठीक है, इमेजिन करिए और सोचिए उसको, उसका चेहरा इमेजिन करिए और अंदर से इमेजिन करिए कि आप लंबी सांस लीजिए और फील करिए खुशी, फील करिए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, अब खोलिया खोलिया, रिलैक्स फील हुआ होगा, ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन इस एक सेकंड में हमने क्या किया, वी फेल्ट आवरसेल्फ, हमने खुद को महसूस किया, खुद के अस्तित्व को महसूस किया कि हम हैं, हम हैं, इस अस्तित्व को महसूस किया और इस अस्तित्व को महसूस किया तब इतनी खुशी है। मतलब बाहरी चीजों में खुशी नहीं है, कार में खुशी नहीं है, मोबाइल में खुशी नहीं है, बड़े मकान में खुशी नहीं है। आप लाओ 50,000 का मोबाइल, 20 दिन बाद ना पुराना हो जाए तो कह दियो, दो दिन तक ऐसे संभाल के रखोगे, अरे और घर में किसी ने छुड़िया, अरे यार हमें चीजों को दूसरा कर, 20 दिन बाद आया तो फेंक दोगे, ऐसे बाजारी कोई वैल्यू ही ना, कहेगा कि आप इनका हूं 50,000 का, ना देखेंगे हम बगल वाला वो चला रहा एप्पल आईफोन 14, बोलो बड़ी कार, कुछ दिन में छोटी लगने लगेगी। तो ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना, जो बाहरी चीजें हैं, ये हमें थोड़े समय के लिए खुश देख सकते, खुशी देती है, परमानेंट खुशी नहीं है यार। आज आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लो, किसी भी फील्ड में काम करता हो, शुरू में मिलोगे, हाथ मिलाओगे, हाउ आर यू, बढ़िया, फाइन, मस्त, बहुत बढ़िया, क्योंकि सामने वो दिखा है, थोड़ी देर बात करोगे आप, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया है, मस्त चल रहा तुम्हारा, तो काय का मस्त चल रहा है, मर रहे हैं, हमसे पूछो तुम ऑफिस में जाके देखो कैसी कितनी सुननी पड़ती है, भाई साहब हमसे ज्यादा काम कौन करता, कह दो की तरह दौड़ रहे हैं, हमसे पूछो, है ना, किसी के जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो बैंक में ही, तो मैंने कहा यार तेरी जिंदगी मस्त है, काय की मस्त है, 9 बजे तक बैठते हैं हम, पूरा अकाउंट सेटल करते हैं, ये करते हैं वो करते, 50 सुना दी उसने। सो यही हालत है सर, अंटिल वी फील आवरसेल्फ, जब तक कि हम खुद को महसूस नहीं करते, तो यार खुद को महसूस करना शुरू कर दो, है ना, खुद खुद के लिए भी जी लो। अगर आप खुश रहोगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपको देख के नहीं रहेंगे, आप झल्लाते हुए घर जाओगे तो घर का माहौल खराब हो गई, आपका पूरा फैमिली खुश रहेगा, आप खुश रहोगे तो आपके ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बढ़िया रहेगा। वी लाइक अ फाउंटेन, फुब्बारे की तरह बनो, जहां रहोगे वहां हरियाली रहेगी ना आसपास, जहां फुब्बारा होता है आसपास तो हरियाली होगी ना, ठंडक होगी ना। सो वी आर फाउंटेन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे आप होगे आपके चारों तरफ के लोग खुश रहेंगे। एक बात याद रखना, लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं जो हंसते हंसाते रहते हैं, आए ना, रोते रोते लोग किसी को पसंद नहीं है, देखो यार परेशानी तो सबकी जिंदगी में, तो मुंह बना के काम मिल जाएगा, हंसते हंसाते रहोगे तो क्या होगा, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, हर आदमी को यार बहुत बढ़िया मस्त वाला आदमी यार, हंसता ज्यादा रहता है, बड़ा मजा आता है यार उसके साथ बैठने में, तो ये लगता है कि स्ट्रेस खत्म हो गया दिन भर का यार,
और जो मुंह बना के बैठा है, मान लो तुम घूमो मुंह बना के, एक दिन पूछ लेगा कोई दोस्त, अरे यार कोई बात है बता, अरे यार कोई बात है क्या बोले, हमने यार ऐसा ही है। तो बी थैंकफुल, फील योरसेल्फ, खुद को महसूस करिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए और अपने आप से पूछते रहिए कि इस समय मेरी ड्यूटी क्या हर सिचुएशन में। और अगर आप ऐसा करेंगे तो बिलीव मानिए, यू विल फाइंड अ बेटर वर्जन और अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपको आपका क्या मिलेगा, बेटर वर्जन मिलेगा, बेहतर विकल्प मिलेगा खुद का। छुपा रखा है आप लोगों ने पावर को अपने अंदर, है ना। इतना बड़े भाग मानस तन पावा, पहला भाग तो यही हो गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी सारी पावर्स को क्या नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। रखी रखी वो क्या हो रही है, दिमाग लग रही है, खून खा रहे हैं। तो जरूरत क्या की है, जरूरत है कि अपने पावर को इस्तेमाल करो। आपको पता है आप सबके सब अरबपति लोग हो क्या नहीं हो, हाथ आओ, कितने लोग को लगता है कि अरबपति है, कितने लोगों को लगता है कि अरबपति है, हाथ आओ प्लीज उठाओ यार, अरबपति नहीं हो, करोड़पति नहीं यार, हम तुम्हें अरबपति सिद्ध करेंगे, तुम अरबपति हो, क्या बात कर रहे हो। देखो हम सब लोग ना अरबपति हैं, पता, लेकिन पता हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन उस दरिद्र आदमी की तरह है जो एक कच्चे मिट्टी के मकान में रहता है और उसके मकान के आंगन में खजाना खड़ा है, लेकिन रोता काहे के लिए कि मेरी किस्मत खराब है। सोचो अब ये हमारा सेमिनार खत्म हुआ, आपका ये सेशन खत्म हुआ, आप लोग बाहर निकले, यहाँ आपको दो लोग मिल जाए, बोले इधर आओ भाई, आपने कहा बताओ तुम्हारी दोनों किडनी चाहिए, 2 करोड़ देंगे, दे रहे हो, दोगे किडनी भाई, दो ही चाहिए भाई, तो वो एक भी नहीं दोगे, यहाँ बोल रहे हो एक भी नहीं दोगे, बल्कि जूता उतार के उसकी तरफ दौड़ोगे, तुझे मैं किडनी बेचने वाला लग रहा, क्यों क्यों दौड़ोगे, क्योंकि किडनी 2 करोड़ से महंगी है, सस्ती होती तो देना देते यार। मान लो ये पेन है, ये पेन है और ये 10 रुपए में खरीदा मैंने, कोई मुझसे बोले कि इसे पेन 2 रुपए में दे रहे हो, कैसे दे दूं, लेकिन कोई बोलेगा 20 में दे रहे हैं, दूसरा ले ले, मतलब किडनी 2 करोड़ से ज्यादा की है। कोई आपसे बोले कि भाई आपके फेफड़े चाहिए, आपका लीवर चाहिए, 5 करोड़ देंगे, मना कर दोगे ना, मतलब वो ज्यादा महंगा है। आंखें चाहिए 20 लाख देंगे, दोगे का, एक आंख निकाल लें दो 20 लाख में, दोगे नहीं ना, बिकॉज वो महंगी है 20 लाख से। तो सोचो भगवान ने तुम्हारे भीतर कितना सामान फिट करा है, करोड़ों का, आना करोड़ों का सामान लेके घूम रहे हो, कह रहे हो कि कमजोर है यार, हम गरीब है, कहां से गरीब हो। अब तुम कहोगे कि कैसे, बेच के थोड़ी कुछ मिलेगा, नहीं, इस खजाने के इस्तेमाल से, इस पुरस्कार के इस्तेमाल से आपको वो सब मिलेगा। एग्जाम्पल लो महेंद्र सिंह धोनी का, 25 साल पहले क्या एक छोटे से घर में किस खजाने की दम पे इतना पैसा है, इस पुरस्कार की दम पे, इस टैलेंट की दम पे, इस दिमाग की दम पे आया ना, तो इसी पुरस्कार का इस्तेमाल तो करा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी, आप बताइए ना किस बैकग्राउंड के, उनके पिताजी ने रिश्वत दी गई नहीं, उनके पास पैसा था नहीं, किसके दम पे, अपने इसी शरीर के दम पे, इसी पुरसाद के दम पे, इसी से किसी को घिसकर, इसी खजाने का इस्तेमाल करके। तो हमारी का, उनकी 2 आंखें हैं, उनके 2 हाथ हैं, तो हमारे का 4 हैं, हम भी तो कोई हैं, तो हम इस खजाने का इस्तेमाल क्यों नहीं करें, हम क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, हम क्यों उन जगह नहीं पहुंच सकते। और एक बात याद रखना, सफलता की कोई उम्र नहीं होती। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने, 43 साल की उम्र में, और अब ये कितने में बने, 73-78 में, जो बिडेन जो बाइडन है वो कितने बने, 78 में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, जब जागे तभी सवेरा, जब ज्ञान मिल गया तभी शुरू हो गए, जब हमें आत्मा में महसूस हो गया। और छोटी लिमिट मत रखिए अपने लिए, बड़ा लक्ष्य बनाइए और मेहनत करिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, रातों रात कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये पक्का है। पैदल चलना शुरू करो, तुम्हें डेली जाना है पैदल,
अगर रोज चलोगे तो पहुंचोगे नहीं एक दिन, पहुंचोगे जरूर पहुंचोगे। बस शर्त इतनी है कि क्या आप चलोगे। इस दुनिया में सब मिलेगा लेकिन एवरीथिंग हैज अ प्राइस, हर चीज की एक कीमत है। क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो ये पूरी दुनिया आपकी है, कोई तो नहीं, पूरी दुनिया आपकी है। बाकी नेचर से सीखते रहिए। जैसे कोई डाली है, एक पेड़ है, उसकी एक डाली में एग्जांपल लो तो आप उसको क्या कहोगे? पेड़ कहोगे कि नहीं कहोगे? पेड़ है ना, हरा भरा है। लेकिन अगर उसे तोड़ दिया तो ये दुनिया क्या करेगी? जलाने के लिए तैयार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो एक बात याद रखना, बी द पार्ट ऑफ योर फैमिली। जब तक तुम परिवार के साथ हो तब तक तुम फैमिली हो। अलग हो जाओ, अलग रहने लगो, देखो कैसे तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। जब बंदा मुट्ठी बंधी होती है ना तो मजबूत होती है। क्यों हम किसी को पीटने के लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं? सबको जोड़ लेते हैं। तो ताकत कायम है यूनिटी में। अपने परिवार के साथ मिलके रहिए, कोशिश करिए एक दूसरे को समझने की, है ना। ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। उस चीज को हमें क्या करना है? दरकिनार करना है और इस खजाने का इस्तेमाल करना है जो मैंने बताया। इस एक्सरसाइज का भी आपको इस्तेमाल करना, अगर आप करेंगे यू विल फील अ ग्रेट चेंज इन योरसेल्फ। बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे। एक बात याद रखना, मेरी ये बातें जो है ना, मानो तो सफलता के मंत्र हैं, और ना मानो तो फिर वचन। हमने किए, आपने सुने, क्योंकि अब हमें आने था यहाँ, हम सबको यहाँ इकट्ठा होने था ना। आप लोगों को भाई ऑफिस से, भाई ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर कि चलो भैया आज ट्रेनिंग सेशन है, वहां जाओ, ठीक है। इसलिए जाने था, बैठ के हम इस टाइम को ऐसे भी, ये भी सोच सकते हैं फिर वचन। और अगर माना तो क्या है? सफलता के मन। और जाते जाते यही बोलूंगा, कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ाने। क्या आप दिल से लड़ने के लिए तैयार हैं? अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आज वादा करिए मुझसे, अगर हाँ कि हमें जिंदगी बदलनी है, ये नहीं रहना है। अभी मैंने पहले कहा था कि वो लीडर नहीं है जिसके पास सब हर चीज का जवाब है। लीडर वो है कि क्या आपके पास सही सवाल है, क्या जो वर्तमान है उसे बदलना है। क्या आप चाहते हैं कि आप एक एवरेज जिंदगी जिए? क्या आप चाहते हैं कि हर बार प्राइस टैग देख के चीजें खरीदें? या उस स्थिति में आना चाहते हैं कि पसंद आ गया तो खरीद लेंगे यार, प्राइस टैग बाहर देखें? और वो कब होगा? जब आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, जब आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करेंगे। याद रखना, आज आपको जो जो पोजिशन है वो आपकी नॉलेज के हिसाब से ही है। जितना आता है आपको, जितना ज्ञान है उतनी आपकी कमाई। कमाई बढ़ानी तो ज्ञान बढ़ाओ, ये पोजीशन चेंज करनी तो नॉलेज बढ़ाओ। और नॉलेज बढ़ेगी, यू विल फाइंड डिफरेंट, आप अपने आप को अलग ही पाओगे। तो इन सब बातों के साथ मैं पूरे पीएनबी परिवार को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे यहां बुलाया। आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से मिलने का मिला, है ना, आपसे बात करने का मौका मिला, इतने नए नए लोगों को जानने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप लोगों से उम्मीद करूंगा शायद इतने लोगों में से मैं किसी एक को तो यहां तक छू के गया होगा मेरी बातें, और वो बदलने की कोशिश जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।